हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज हमारी जो CCSU की सीरीज चल रही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट्स के। तो उसी में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट टू के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। उससे पहले हमने जो है सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम जो सब्जेक्ट कवर करेंगे, दैट इज फिलोसफिकल सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं दोस्तों, ये इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में डिस्कस करते हैं, ताकि लैंग्वेज जो है वो एक ऐसा बाधा ना बने आपके एग्जाम्स में। तो आपको हमारे चैनल पे जो है इंग्लिश में भी और हिंदी मीडियम में भी कंटेंट देखने को मिलेगा। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, इनके आंसर्स का लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं आंसर्स के पीडीएफ को। बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ जो है वो पेड पीडीएफ है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और सभी के आंसर्स एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट विच इज 100 प्लस टैक्सेस, तो उसमें आपको मिलता है 100 रुपीज में। इतने सारे आंसर्स का पीडीएफ आपको किसी प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा। दिस आई जस्ट टेक गारंटी ऑफ। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और साथ में बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पे क्लिक करो। ठीक है, लिंक मिल जाएगा जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए शुरू करेंगे। आपको पता होगा तीन पार्ट्स में, ए बी सी में डिवाइडेड रहता है जो पेपर है आपका। तो सबसे पहले हम ए पार्ट के हिसाब से जो है क्वेश्चंस करेंगे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं। अब देखिए, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बुनियाद क्या है, तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो इनकी बुनियाद है। उन सभी को कंपाइल करके जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हीं पे बेस्ड हैं जिनको फ्रेम किया गया है, और आपके सामने आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, पहले इंग्लिश मीडियम में और उसके बाद हिंदी मीडियम में। एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म द सोशल स्ट्रक्चर, मतलब एजुकेशन जो है वो यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको बदल सकता है। बिल्कुल ऐसा हुआ है, आप देखोगे एजुकेशन की वजह से ही तो चेंजेस आए हैं। आप देखना आपकी नानी का रहन सहन कैसे था, दादी का रहन सहन कैसे था, उसके बाद आपकी मम्मियों का रहन सहन कैसे हुआ। मम्मी हो गई, मासी हो गई, चाची हो गई, इनका रहन सहन देखो। उसके बाद आपकी पीढ़ी का रहन सहन कैसा है, अक्सर उन लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आजकल के बच्चे तो पढ़े लिखे हो गए हैं। तो इसलिए ही उस पढ़ाई लिखाई की वजह से, ये एजुकेशन की वजह से ही ये सोशल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ है। और प्रेजेंट सिनेरियो अब कैसा है उसको एग्जाम्पल्स के साथ आपको जो है लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं पढ़ा है ना, खुद से भी बना के लिख सकते हो। ये जो दादी नानी वाला एग्जाम्पल दिया ये डाल दो इस क्वेश्चन में, अपने इर्द गिर्द से ही जो आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स आते हैं वो डालने हैं, इधर उधर से कहीं से एग्जाम्पल्स देखने की जरूरत नहीं है। पहले जो थी, आपने पता होगा लड़कियों का हिस्सा भी नहीं होता था प्रॉपर्टी में, 2005 में ये नियम आया। अब सब लड़कियों को पता है प्रॉपर्टी में भी हमारा हिस्सा होता है। उसके बाद हम बात करें तो रहन सहन लोगों का, पहले आदमी और औरतों का रहन सहन कैसा होता था, अब कैसा हो गया है। पहले एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, आप आज देखोगे चाहे लड़का हो या लड़की, सभी की एजुकेशन को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं पेरेंट्स। तो वही सब आपको इसमें डालना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म एज अ स्कूल ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, इन व्हाट वेज इट डिफर्स फ्रॉम नेचुरलिज्म, क्लैरिफाई। देखो, आइडियलिज्म होता है जो आइडियाज पे बेस्ड होता है, और ये बेसिकली गॉड पे है, स्पिरिचुअलिटी पे है। ठीक है, जो लोग ये मानते हैं कि सब कुछ जो है वो परमात्मा की देन है। ठीक है, इसमें साइंस कहीं पे भी नहीं है, ये लोग साइंटिफिक नहीं होते हैं, जो हुआ वो भगवान की वजह से हुआ। ठीक है, आइडियाज पे दुनिया बेस्ड है, आइडियाज में सिर्फ गॉड बसते हैं। नेचुरलिस्टिक क्या है, जो लोग नेचर को पूजते हैं, नेचर को सबसे ऊपर मानते हैं। ठीक है, जो प्रकृतिवाद लोग होते हैं, मतलब जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, बाबा रामदेव,
जो योगीज होते हैं, जो संन्यास ले लेते हैं लोग, वो ठीक है, जो आयुर्वेद में आज के टाइम में भी बहुत ज्यादा लोग मानते हैं, वो नेचुरलिस्टिक होते हैं। आप आज भी अगर किसी को जानते हो ना, जो टूथ ब्रश और टूथपेस्ट वो यूज नहीं करता है, और जो नीम की दातुन होती है उसको यूज करता है, वो नेचुरलिज्म है, वो एग्जाम्पल है नेचुरलिस्टिक का। ठीक है, तो ये इन दोनों के बारे में आपको बताना है क्या है, और फिर इनके बीच में डिफरेंस बताना है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके बीच में, वही आपको क्लैरिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली एग्जामाइन द अद्वैता फिलोसफी एंड डिस्क्राइब द रेलेवेंस ऑफ दीज फिलोसफी टू द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके लेक्चर्स भी आपको हमारी बींग अ बेस्ट टीचर की एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो हमारी एप्लीकेशन है बींग अ बेस्ट टीचर के नाम से, ठीक है। एंड्रॉयड में आप प्ले स्टोर पे बींग अ बेस्ट टीचर लिखो, और अगर ऐप स्टोर यूज कर रहे हो तो वहां लिखो माई इंस्टीट्यूट ऐप। जैसे ही डाउनलोड हो जाए ओपन करो, फिर कोड डालो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, TFWNIB, आपके सामने बींग अ बेस्ट टीचर की ऐप आ जाएगी। ये सभी टॉपिक्स मैंने वहां पे कराए हुए हैं, तो आप वहां से जो है इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। अद्वैता फिलोसफी अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ब्रॉड है, तो इसलिए इसके लिए स्पेशली आप लेक्चर जरूर देखिएगा। अगर ऐप पे जाके नहीं देख रहे हो, यूट्यूब पे किसी ना किसी की वीडियो मिल जाएगी, कोई भी वीडियो देख लो जिससे आपको समझ आता है, बट ये कॉन्सेप्ट जो है आप लेक्चर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मीन बाय पीस एजुकेशन? डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिशिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर पीसफुल एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। पीस एजुकेशन क्या है? देखिए, क्यों पढ़ाया जाता है पीस एजुकेशन? हम सब चाहते हैं वर्ल्ड में पीस रहे, हमारे देश में पीस रहे, हमारे नेबरहुड में पीस, मोहल्ला जिसमें पीस ना हो, ठीक है, शांति ना हो, अशांति हो, उसमें रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा लोग अक्सर घर लेने से पहले ये चीज बहुत देखते हैं कि पीसफुल सोसाइटी है या नहीं है, क्योंकि हम जो है वो पीसफुल और कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही रह सकते हैं। तो ऐसे ही पीसफुल एजुकेशन क्या है, देखिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, जो पीस मतलब पढ़े लिखे तो छोड़ जो, जो पीस एजुकेशन को, चाहे वो आपने फॉर्मल रूप से लियो, जरूरी नहीं है तो ही जाके, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तब भी उनको पीस एजुकेशन होता था, मतलब उनको पता था कि शांतिपूर्ण माहौल किस प्रकार से बनाए रखना है। तो वो हमारे जो बड़े लोग होते थे, दादा माताजी, हमारे माँ बाप, वो हमें सिखाते थे, ठीक है। तो पीस एजुकेशन इसलिए हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है सीखना, वरना क्या होगा, बोलते हैं लोग एक दूसरे के प्रति बैर भावना ज्यादा रखेंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है ये एजुकेशन हो। तो उसी का ये कॉन्सेप्ट है, उसी का ये क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कोर वैल्यूज ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या होती है? बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट की बातें हो रही है, उसके मेन प्रिंसिपल्स लिखे आपको, और कितना हम उसको रियलाइज कर पाए हैं या अचीव कर पाए हैं वो आपको बताना है, या आपसे पूछ लेगा, ये ना पूछ के ये पार्ट भी आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक पार्ट पूछेगा कि डिस्कस द वैल्यूज प्रिविलेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी इन डिटेल। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ऐसी वैल्यूज, कंटेम्प्रेरी मतलब करंट, आज की सोसाइटी में जो है वो आपको बताने है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एजुकेशनल सोशियोलॉजी। आपको बताना है कि एजुकेशनल सोसाइटी होती क्या है, सोशियोलॉजी क्या है सोसाइटी की, सोसाइटी, सोशियो इज सोसाइटी एंड लॉजी इज स्टडी, सोसाइटी की स्टडी, उसको एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है। हाउ द मतलब एजुकेशन के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, हम टीचर ऑब्वियसली सोशियोलॉजी पूरा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एजुकेशनल सोशियोलॉजी पढ़ना है, वो क्या है। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी सपोर्ट्स द टीचर टू डेवलप अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। टीचर्स का काम होता है प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना। सिर्फ जो आपकी क्लास में बच्चे हैं उन तक आपका दायरा लिमिटेड नहीं है, उनके पेरेंट्स को भी समझाना, अगर स्पेशली उनके पेरेंट्स ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं
जहाँ पे उनको समझाना बहुत मुश्किल है। लेट सपोज मुझे याद है मेरी क्लास में एक बच्चा था जिसके पेरेंट्स उसको बहुत ज्यादा मारते थे। उन्हें लगता था जितना मारेंगे उतना बच्चा ठीक हो जाएगा, वो पिट पिट के ही समझेगा, वहां वो गलत थे। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी हमें ये सिखाता है कि हमारा क्या रोल है और कैसे हमें औरों को भी समझाना है। पेरेंट्स हो गया, नेबर हो गया, नेबरहुड ऑफ द स्कूल, टीचर्स। गवर्नमेंट स्कूल्स में ये होता है कि टीचर्स जो हैं उस सोसाइटी के लोगों को भी जागरूक करते हैं साफ सफाई रखने के लिए। जो है वहाँ के नेबरहुड में पेरेंट्स को इनवाइट, जो मतलब नेबर्स में जो भी रह रहे हैं, चाहे उनका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, उनको रैली में बुलाते हैं, एक रैली निकालते हैं साफ सफाई के अभियान के लिए, या और भी चीजों के लिए बुलाते हैं ताकि स्कूल का डेवलपमेंट हो सके। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी सब कुछ हमें सिखाता है। और टीचर्स को इसलिए प्रोग्रेसिव सोसाइटी को, मतलब टीचर्स का काम है ऐसी प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना। तो किस प्रकार से एजुकेशनल सोशियोलॉजी को सपोर्ट करता है वो आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक ये है, एक बार समझोगे इजिली बहुत कुछ इसके बारे में आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग पे वीडियो भी चैनल पे अपलोडेड है। देखिए आपको बताना है कि करेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, और डिफरेंट मोड्स क्या टीचिंग के। आपको एक्सप्लेन करना है मोड्स ऑफ एजुकेशन किस तरीके से वो एक्सपैंड हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इसमें पढ़ना पड़ेगा, एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज थ्रोइंग लाइट ऑन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, ठीक है, और नॉलेज के स्रोत यानी कि सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से हमें नॉलेज मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू डिस्कवरी, डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट दिया गया है जॉन दुबे के द्वारा। चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, अदरवाइज एप्लीकेशन पे जाके आप इन सभी सब्जेक्ट्स की, मतलब इस सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हो। जिस अमाउंट में हमारी ऐप आप पे आपको मिलता है किसी ऐप पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि स्टूडेंट्स की, मतलब स्टूडेंट्स उतना पे नहीं कर सकते एक अमाउंट जितना हम कई बार सोचते हैं कि हमें मिल जाएगा, बट नहीं। तो एज अ स्टूडेंट मुझे पता था, मैं भी ऐसे प्लेटफॉर्म से लेना चाहती थी क्लासेस मटेरियल, बट कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर होने के कारण मैं नहीं ले पाई। तो मैं बिल्कुल ये समझती हूँ दोस्तों कि आप सभी को एक मिनिमम अमाउंट में जो है सब सारा मटेरियल, नोट्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाए। आज आप देखोगे ना हम कितने क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और सभी उन सभी के आंसर मात्र 100 रुपये प्लस टैक्सेस में आपको प्रोवाइड कराना। आई थिंक 115 रुपये का पीडीएफ आपको पड़ता है। वो बिल्कुल एक मिनिमम अमाउंट है जो चार्ज किया जा रहा है। और इसी प्रकार से क्लासेस का भी अमाउंट आप देखोगे, वो एक बहुत मिनिमम अमाउंट है जो आपको प्रोवाइड, जिसमें हम दे रहे हैं। तो आप ऐप पे जाइए, डाउनलोड करिए और वहां से डाउन सारी क्लासेस को आप देख सकते हो। इतने कम अमाउंट में आपका सारा हो जाएगा। अगर आप रोज कॉलेज भी आते जाते हो ना, एक हफ्ते में ही आपके उससे दुगने पैसे लग जाएंगे जितना आपको घर बैठे उस ऐप में क्लासेस मिल जाएगी। ये एक मेरा जो है मेरे प्रोफेशन के प्रति एक योगदान है। तो उसमें प्लीज आपको जितना अच्छा लगे उतना कंटेंट आप ऐप पे जाके अपनी बीएड के दौरान पढ़िए, अच्छे से समझिए और एक अच्छे शिक्षक बनिए। तो ये जॉन दवे का डिस्कवरी का मॉडल है, इसको आपको अच्छे से करना है। इस पे वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख लीजिएगा। यूट्यूब पे भी है इस पे वीडियो, बहुत सारे 5-6 टॉपिक आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन पे यूट्यूब पे अपलोडेड है वीडियो, तो वहां से भी आप देख सकते हो जो लोग ऐप से नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और साथ में एजुकेशनल फिलॉसफी क्या थी श्री अरबिंदो घोष जी की, वो आपको बताना है। और किस प्रकार से हम इसको एजुकेशन सिस्टम में यूज कर रहे हैं, क्या इसकी नीड्स हैं, वो आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे, 11वां प्रश्न, व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, व्हाट शुड बी द एम्स ऑफ एजुकेशन, आपके अकॉर्डिंग लिख दो, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन क्वेश्चन 12, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन। देखिए एजुकेशन की वीडियो भी चैनल पे है, मॉडर्नाइजेशन की भी है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन से आप क्या समझते हो, रोल क्या है एजुकेशन के अंदर मॉडर्नाइजेशन का, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13,
वैल्यू एजुकेशन क्या है और वैल्यू एजुकेशन को स्कूल्स में किस तरीके से हमें इम्पार्ट करना चाहिए. दिस इज नॉट इम्पोर्टेड, इम्पार्टेड. ठीक है, देना चाहिए, पढ़ानी चाहिए वैल्यू एजुकेशन. हर स्कूल में वैल्यू एजुकेशन का सब्जेक्ट होता है. रेगुलर सब्जेक्ट नहीं होता है कि रोज क्लासेस हो रही है, वीक में एक या दो बार इसकी क्लासेस होती है, ज्यादा से ज्यादा तीन. पर वैल्यू एजुकेशन बच्चों को सिखाई जाती है. वो कहते हैं ना, संस्कार डालने बहुत जरूरी है. पहले के टाइम में आपने देखा होगा, दादा दादी नाना नानी ये संस्कार डाल देते थे, वैल्यू एजुकेशन बच्चे को वहीं से मिल जाती थी. आज के टाइम में फैमिलीज जो है वो जॉइंट्स की न्यूक्लियर होती जा रही है. रिश्ते वैसे नहीं रहे जैसे पहले के टाइम में हुआ करते थे. एक आधे परिवार आज के टाइम में, तो ये बोलूंगी कि उनका परिवार सच में भगवान की कृपा है उन पे है. तो इसलिए अधिकतर लोगों के पास नहीं है, तो इसलिए स्कूल्स में अब इसकी एजुकेशन दी जाती है, जो कि बिल्कुल रिक्वायर्ड भी है आज की मॉडर्न दुनिया को देखते हुए. तो एज अ टीचर क्या प्रिकॉशंस आप लोगे वैल्यू एजुकेशन देते वक्त? बहुत जरूरी है, स्पेशली जो वैल्यू एजुकेशन दे रहा है. आई नो, मेरे को जब स्कूल में 5th क्लास, मेरे को ये इंसिडेंट याद है. एक टीचर थी जो मुझे वैल्यू एजुकेशन जो है पढ़ाती थी. उन्होंने कहा कि मैं एक एग्जाम्पल दिया कि मैं हर टीचर, मतलब हर मेरे पड़ोस में जो भी मेरे को मिलता है, मैं उनको नमस्ते करती हूँ. और मैंने उनको जब एक बार कॉरिडोर कॉरिडोर में नमस्ते की, तो मुझे याद, नमस्ते नहीं, गुड मॉर्निंग बोला मैम को, तो मैम ने रिप्लाई नहीं किया. तो वहाँ पे मुझे वो बात खटक गई थी और मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी. एक ऐसा इंसिडेंट बन गया जो मुझे, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ बट मुझे अब तक ये याद है. तो टीचर का ना, वैल्यू एजुकेशन पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों के लिए बहुत बड़े रोल मॉडल बन जाते हो. आपसे गलतियों की गुंजाइश नहीं करते हैं बच्चे कि आपसे गलतियां होंगी. तो यही चीज की बात यहाँ पे हो रही है, क्या प्रिकॉशंस उस टीचर को लेने चाहिए. जो एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसे कुछ किससे आपको याद हो तो वैसे एग्जाम्पल डालो आंसर में. इवेल्युएट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूजो एज एन एजुकेशनल थिंकर. रूजो का क्या रोल है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टोटल 14 क्वेश्चन किए, 14 के 14 करने की जरूरत नहीं है. 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम स्किप कर सकते हो. मैंने वो सारे डाले हैं जो पिछले 5 साल के हिसाब से जरूरी थे. सेक्शन बी करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, इजी होते हैं ये तो. डिस्क्राइब द एम्स ऑफ एजुकेशन इन सोशल कंटेक्स्ट. डिस्क्राइब सोशल इक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं. डिस्कस द कास्ट एंड क्लास ऑफ सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल वैल्यूज क्लैरिफाई द डिफरेंट एम्स ऑफ एजुकेशन. एम्स बताने हैं बस एजुकेशन के, ठीक है, सिंपल है. मॉडर्नाइजेशन किस प्रकार से इंडियन सोसाइटी में चेंजेस लेकर आ सकती है, हेल्पफुल है चेंजेस लाने के लिए, वो बताना है. सॉरी, 6th क्वेश्चन, डिस्कस द स्पेशल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन. क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी. मतलब वो ये कॉन्सेप्ट ना बहुत पुराना हो चुका है, बट आज के टाइम में भी बहुत जगह एग्जिस्ट करता है. अनटचेबिलिटी, हम ही हैं इस चीज के लिए जिम्मेदार. आई रिमेम्बर, मेरे जब छोटी थी, मेरी दादी तब थी, अब तो वो नहीं रही, खैर, तो हमारे घर जो मेड आती थी काम करने, हमारी हाउस हेल्प, तो दादी को उनके साथ चाय पीना बड़ा अच्छा था, क्योंकि वो दादी की एज की थी ऑलमोस्ट, थोड़ी बहुत छोटी थी, तो दादी को उनके साथ चाय पीना अच्छा लगता था. दादी ने उनका एक अलग कप रखा हुआ था, तो वो चीज मेरे मन में आज तक है कि ऐसा क्यों. आप के घर में भी अगर हाउस हेल्प्स आती हैं या किसी आपके रिश्तेदार के घर में, नोन के घर में आती हैं, आप देखोगे उनका आज के टाइम में भी ना एक अलग कप होता है. यही है टचेबिलिटी, जिसको हम आज तक इरेडिकेट नहीं कर पाए. तो ऐसे क्या एफर्ट्स हैं जो लिए गए हैं इसकी इरेडिकेशन के लिए? बुक में जो लिखा है वही इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि रियल जिंदगी में जो हो रहा है उसको इरेडिकेट करना आज के टाइम में भी बहुत मुश्किल है. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन लिंकिंग स्कूल विद सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 9, मतलब ये बहुत अच्छा है, टीचर का क्या रोल है कि सोसाइटी से आप स्कूल को लिंक कर दो, बाहर की दुनिया से, आउट ऑफ द स्कूल को स्कूल के साथ लिंक कर दो. क्वेश्चन नंबर 9, एजुकेशन इज मल्टी फेसेटेड प्रोसेस. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. हाउ इज नॉलेज डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड स्किल. इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है.
डिस्क्राइब द क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन गांधी जी ने दिया था, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। क्वेश्चन 13, व्हाट आर द मेन ऑब्स्टेकल्स इन ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज इन इंडियन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मेंट बाय नैश इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15, शॉर्ट नोट लिखना है, एजुकेशन किस तरीके से एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। मार्क कर लो ये क्वेश्चन, पिछले 5 में से 4 बार तो कंफर्म आया हुआ है, आएगा ही आएगा, लिख लो इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिलोसफी एंड साइंस। एक दूसरे से अलग बोल देते हैं इनको, साइंस वाले लोग बोल देते हैं अरे फिलोसफर्स का क्या है, वो तो ऐसे ही करते हैं, फिलोसफर्स बोलते हैं हम जो कर सकते हैं वो साइंस नहीं कर सकती। दोनों लोग बिल्कुल अलग होते हैं, और इन दो, जो एक साइंटिफिक बंदा है साइंस में बिलीव करता है और जो एक फिलोसफिकल बंदा है, उन दोनों को बैठा बिठा वहां पे बहस होनी ही होनी है एक अच्छी खासी। क्वेश्चन नंबर 17, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ सोशल वेलफेयर। लास्ट के दो क्वेश्चन है। 18, प्रूव दैट एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू मीन बाय गुड फॉर ऑल। इन 19 में से सारे करने की जरूरत नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन स्किप कर देना, 7 से 8 भी कर सकते हो, बट यार इतना मत करना, कर लो बस, थोड़ा पढ़ लो एग्जाम के लिए, आगे भी काम आएगा। सेक्शन सी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इनमें स्टूडेंट्स अटक जाते हैं क्योंकि वन वर्ड लिखना होता है। इससे पहले वाले तो अटेम्प्ट करने इजी है कि कुछ तो लिख ही देंगे, यहाँ पे आंसर नहीं आता तो कुछ भी लिखने वाला हिसाब किताब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1, हु स्टार्टेड एजुकेशन बाय पोलर प्रोसेस। क्वेश्चन 2, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। ये मैं सारे जितने भी गेस क्वेश्चन दिखा रही हूँ ना, यहाँ से आधे तो आपको आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, 70% मिल जाएंगे, बल्कि कुछ क्वेश्चन नए भी डालेगा। इससे पिछले के जो हमने ए और बी का सेक्शन किया है वहां पे नए क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उन्हीं में से आएंगे। सजेस्ट द वेज टू डेवलप नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन। क्वेश्चन 4, ब्रीफली एक्सप्लेन शांति निकेतन। इसका ये क्या है, किसके लिए, किनके द्वारा फेमस किया गया इसको, इज इट महात्मा गांधी, राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 4 सजेशंस फॉर सोशल चेंज। खुद से लिख सकते हो, जरूरी नहीं है किसी के बताए हुए लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, फुल फॉर्म बतानी है एनसीईआरटी और एनसीटीई की, एक्सप्लेन एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है। 10th क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 11th क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, सोर्सेज ऑफ वैल्यूज। सोशियोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया था, स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियो मीन्स सोसाइटी, लॉजी मीन्स स्टडी। क्वेश्चन नंबर 14, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद नॉलेज इज कॉल्ड व्हाट। क्वेश्चन नंबर 15, रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय। क्वेश्चन नंबर 16, रामाकृष्णा मिशन वॉज फाउंडेड बाय। क्वेश्चन 17, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 18, हु इंट्रोड्यूस नेगेटिव एजुकेशन। ये थोड़े दिन पहले मैंने बींग अ बेस्ट टीचर चैनल पे कम्युनिटी में डाला, आंसर वहां से मिल जाएगा, देख लेना, थोड़े दिन पहले ही डाला था, हफ्ते भर पहले। क्वेश्चन नंबर 19, एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल मोड एजुकेशन। इसका आंसर पता हो तो कमेंट भी कर देना, जिनके पास टाइम की कमी है कम्युनिटी पोस्ट में जाके नहीं देख सकते हैं, आप ऐसे देख लेना कमेंट्स में। एक एग्जांपल बताना है फॉर्मल मोड एजुकेशन का, इज इट फैमिली स्कूल, पीयर होगा, पील नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, फुल फॉर्म एनसीटीई की बतानी है। राइट टू मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमनिज्म। क्वेश्चन 22, राइट 2 इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 23, गिव 2 नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स, दैट इज NAEP ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 24, गिव 2 डीमेरिट्स ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों ही है भाई। क्वेश्चन नंबर 25, गिव एनी 2 हिंड्रेंस टू दी एजुकेशन ऑफ डिप्राइव्ड। क्वेश्चन नंबर 26, राइट 2 नेम्स ऑफ इंडियन फिलोसफीज। ठीक है, ये आ गया।
अब ये इंग्लिश मीडियम में खत्म होता है, हिंदी मीडियम में एक बार हम देखेंगे सभी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 1, 2, 3, शिक्षा सामाजिक संरचना को बदल सकती है। वर्तमान परिदृश्य में संदर्भ में जो है आपको उपयुक्त उदाहरणों द्वारा इस कथन की पुष्टि करनी है। साथ में दूसरा प्रश्न है, शैक्षिक दर्शन की एक पाठशाला के रूप में आदर्शवाद की विशेषताओं का वर्णन करें, यह किस प्रकार प्रकृतिवाद से भिन्न है स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न, अद्वैत दर्शन का आलोचनात्मक परीक्षण करें और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इन दर्शनों की प्रासंगिकता का वर्णन करें। चौथा प्रश्न, शांति शिक्षा से क्या तात्पर्य है? शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक शिक्षा के लिए विविधता में एकता स्थापित करने वाली शिक्षा की भूमि पर चर्चा करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा प्रश्न, बुनियादी शिक्षा के मूल मूल्य क्या हैं? इसके मूल सिद्धांतों का वर्णन करें, उन्हें किस हद तक साकार किया गया है? समकालीन भारत समाज में प्रचलित मूल्यों की विस्तार से चर्चा करें। छठा प्रश्न, शैक्षिक समाज शास्त्र को परिभाषित करें, शिक्षा समाज शास्त्र का ज्ञान किस प्रकार शिक्षक को प्रासंगिक सॉरी प्रगतिशील समाज विकसित करने के लिए सहायक करता है, इसका औचित्य कीजिए। सातवां प्रश्न, शिक्षण की विभिन्न विधाओं की विशेषताएं एवं महत्व बताइए। बताएं कि समय के साथ शिक्षा के तरीकों को किस प्रकार से जो है मतलब इसमें बदलाव हुआ है वह आपको बताना है। आठवां प्रश्न है, ज्ञान के विभिन्न स्रोतों पर प्रकाश डालते हुए ज्ञान की अवधारणा की व्याख्या करें। नवा प्रश्न, डिस्कवरी डिस्कवरी के संदर्भ में जॉन दवे की शिक्षा संबंधी ज्ञान मीमांसीय विचारों की व्याख्या करें। दसवें प्रश्न पे पढ़ेंगे बढ़ेंगे दोस्तों, श्री अरविंद घोष के शिक्षा दर्शन के समग्र शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए तथा वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसकी आवश्यकताएं आपको बतानी है। 11वां प्रश्न, शिक्षा क्या है? आज के लोकतांत्रिक युग की अगर हम बात करते हैं तो समय और स्थान के संदर्भ में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह आपको बताना है। 12वां प्रश्न, आधुनिकरण से आप क्या समझते हैं? आधुनिक के संदर्भ में शिक्षा की क्या भूमिका है, यह आपको बताना है। 13वां प्रश्न, स्कूलों में मूल्यपरक शिक्षा को किस रूप में आयात किया जाना चाहिए? एक शिक्षक के रूप में आप मूल्यपरक शिक्षा देते हैं तो इसमें देते समय क्या सावधानियां बरतेंगे, वैल्यू एजुकेशन देते वक्त, इंपॉर्टेंट है टॉपिक और बड़ा मजा आएगा इसका आंसर लिखते हुए। एक शैक्षिक विचारक के रूप में रूजो के योगदान के बारे में आपको मूल्यांकन करना है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। फोर्टीन क्वेश्चन से यहां से दो तीन क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, बाकी सारे ही कर लेना। खंड ब पे लघु उत्तरीय प्रश्न, सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करें। सामाजिक समानता एवं सामाजिक स्तरीकरण पर चर्चा करें। तीसरा प्रश्न, शिक्षा के सामाजिक निर्धारकों में वर्ग और जाति की चर्चा करें। चौथा प्रश्न, शैक्षिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न, आधुनिकीकरण भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में किस प्रकार से सहायक है, यह आपको बताना है। छठा प्रश्न, लोकतांत्रिक शिक्षा की विशेष विशेषताओं पर चर्चा करनी है। सातवां प्रश्न, अस्पृश्यता निवारण हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन करें। आठवां प्रश्न, विद्यालय को समाज से जोड़ने में शिक्षक की क्या भूमिका है, यह बताना है। नवा प्रश्न, शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है, कथन को औचित्य सिद्ध कीजिए। दसवां प्रश्न, ज्ञान सूचना और कौशल से किस प्रकार से भिन्न है, यह आपको बताना है।
ग्यारहवां प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा दी गई शिल्प केंद्रित शिक्षा का वर्णन करें। 12वां प्रश्न, बच्चे बच्चे के समाजीकरण में बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक शिक्षक की क्या भूमिका है, यह बताना है। 13वां प्रश्न, भारतीय समाज में मूल्यों के संचरण में मुख्य बाधाएं क्या क्या हैं, यह आपको बताना है। 14वां प्रश्न, राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है। 15वां प्रश्न, इस प्रकार एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय यानी कि ट्राइपोलर, ठीक है, ट्राइपोलर ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, प्रक्रिया है, यह बताना है। देखिए मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जब हमने डिस्कशन किया है तो ऑलरेडी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो हिंदी मीडियम में सिर्फ रीड आउट कर रही हूँ मैं। 17वां प्रश्न, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, समाज कल्याण के साधन में के रूप में शिक्षा। 18वां प्रश्न, सिद्ध करें कि शिक्षा एक निवेश है सबके। 19वां प्रश्न, सबके लिए भलाई से आपका क्या तात्पर्य है, ये इन्वर्टेड कॉमास में होगा। खंड सी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहां से भी आप कुछ क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। मैं पीडीएफ है, क्वेश्चंस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी दोस्तों, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला प्रश्न, शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने शुरू की थी, ये किसने कहा था। अनौपचारिक शिक्षा के कोई दो उदाहरण दीजिए। तीसरा, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता विकसित करने के उपाय सुझाइए। शांति निकेतन का को संक्षेप में समझाना है। 5वां प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन के लिए 4 सुझाव दीजिए। छठा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। 7वां प्रश्न, मानवाधिकार शिक्षा क्या है। इसके बाद एनसीईआरटी और एनसीटीई की फुल फॉर्म बतानी है। इसके बाद एपिस्टेमोलॉजी शब्द क्या है, इसके बारे में बताना है। 10वां प्रश्न, मानव संसाधन विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 11वां प्रश्न, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं। 12वां प्रश्न, मूल्यों के स्रोत क्या हैं। 13वां प्रश्न, समाजशास्त्र डैश का अध्ययन है। 14वां प्रश्न, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो ज्ञान से संबंधित है वह क्या कहलाती है। 15वां प्रश्न, धार्मिक शिक्षा के पुरजोर वकालत की जाती है। 16वां प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 17वां प्रश्न, मानव समाज की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है। ठीक है, 19वां प्रश्न, औपचारिक पद्धति शिक्षा का एक उदाहरण देना है, ये ऑप्शंस हैं। 20वां प्रश्न, मुझे सॉरी एनसीईआरटी का मुझे नहीं, ये होगा एनसी टीई का पूरा नाम बताएं। ठीक है, 21वां प्रश्न, मानवतावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। 22वां प्रश्न, भारतीय समाज पर औद्योगीकरण के 2 प्रभाव बताने हैं। 23वां प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NAEP के 2 उद्देश्य बताइए। 24वां प्रश्न, धार्मिक शिक्षा के 2 अवगुण बताइए। 25वां प्रश्न, वंचितों की शिक्षा में कोई 2 बाधाएं बताएं। 26वां प्रश्न, भारतीय दर्शन के 2 नाम बताएं। और इस प्रकार से ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रॉम पार्ट ए बी एंड सी। ठीक है, इससे बाहर से पेपर में ए बी में से तो कंफर्म कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सी में से 70% 80% यहाँ से आ जाएगा, बाकी कुछ क्वेश्चंस उसमें न्यू डाले जाते हैं, कुछ भी बीच में से उठा के एक क्वेश्चन बना सकते हैं, डीप में से भी आ सकता है, कितना भी पढ़ लो कहीं से एक क्वेश्चन उठा के दे देंगे। देखिए इन सभी के आंसर्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का भी है, हिंदी मीडियम का भी है, अदरवाइज नहीं कर पा रहे हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो हमें,
वरना ये नंबर ऑल्टरनेटिव है, किसी पे भी कर सकते हो, ठीक है। और बीइंग अ बेस्ट टीचर की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो एंड्रॉयड में आपको लिखना है प्ले स्टोर पे बीइंग अ बेस्ट टीचर, कहाँ लिखना है ये, प्ले स्टोर पे। और आपके सामने इस तरीके से हमारी ऐप आ जाएगी और इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब जो लोग आईफोन यूज करते हैं उनको अपने ऐप स्टोर पे जाना है, उसके बाद लिखना है माई इंस्टीट्यूट। माई इंस्टीट्यूट ऐप जैसे ही डाउनलोड हो जाए उसको ओपन करो। इसके बाद ओ आर जी कोड मांगेगा, ओ आर जी इज ऑर्गेनाइजेशन कोड, तो TFWNIB, ये हमारा बीइंग अ बेस्ट टीचर का ऑर्गेनाइजेशन कोड है और आपके सामने हमारी जो ऐप है वो आ जाएगी, ठीक है। एक ही बार डालना है ये कोड, बार बार नहीं, फिर आपके पास हमारी ऐप रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये दो नंबर है, इन पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐप डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है, आंसर्स का PDF परेशानी हो रही है डाउनलोड करने में, या आपको नोट्स चाहिए फुल सब्जेक्ट के, या आपको क्लासेस चाहिए, हर किसी क्वेरी के लिए आप जो है हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। डेमो वीडियो चाहिए तो एक डेमो वीडियो भी मिल जाएगी, उसके लिए भी व्हाट्सएप करो, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है लेकिन मतलब हमने अच्छे से डिस्कस किया है। सो दिस इज दिस केस, एंड बाकी ये आंसर्स का PDF मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।